धावे वाली आलू का पराठा तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन बिना आटा गूंदे गेहूं के आटे का ये नाश्ता, जिसके सामने धावे वाली पराठा भी फीका लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक बड़े साइज की आलू ली है, इसे मैं 4 टुकड़ों में काट लूंगी। इसे ये जल्दी से बॉईल हो जाएगा। अगर आप छोटे आलू लेते हैं तो 2 आलू लेना। तो ये आलू को इस पानी में डाल देंगे और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो आलू अच्छे से बॉईल हो चुकी है, ये देखिए करीबन 10 मिनट में ही ये बॉईल हो चुकी है। तो अभी इसे पानी से निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब आलू का छिलका निकाल देंगे। आप चाहे तो आलू को छील के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है और काफी स्मैशी भी हो जाता है। और अब सारे आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसे आप हाथों से या फिर स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें कोई चंक्स ना रह जाए, क्योंकि फिर पराठा अच्छे से फूलेगा नहीं। अब इस आलू में डालेंगे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अब इन सारे चीजों को आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रेटेड लहसुन या फिर धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो अब इस आलू के मिक्सर में डालेंगे आटा। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं या फिर आटा मैदा मिलाकर भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी यहाँ पे एक साथ ज्यादा मत डाल देना, वरना आटा में गुठलियाँ पड़ जाएगा, तो वो खत्म करना एकदम से मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो आटा और पानी को मिक्सी में डाल के एक थिक सा बैटर बनाकर फिर उसे इस आलू के मिक्सर के साथ मिलाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होगी। ये ना तो बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा मोटा। तो इसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 बड़ी चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस बैटर में थोड़ा सा सौंफ जरूर डालना, इससे पराठा का टेस्ट बहुत ज्यादा एनहेंस होता है। तो ये बैटर बिल्कुल अभी तैयार है। अब इस पैन को 1-2 बूंद तेल से ग्रीस कर लेंगे और इस पैन को मैंने थोड़ा गर्म करके ली है। अब 1 से 1.5 कलची बैटर लेंगे और पैन के सेंटर में डाल देंगे और कलची से इसे ढोसे की तरह फैलाना नहीं है, बस पैन को ऐसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमा के इसे थोड़ा सा फैला देंगे। तो अपने आप ये जितना फैलेगा हम उतना ही इसे फैलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर नीचे से इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। ये देखिए कि ऊपर से पूरा सूख चुका है, तो अभी इसे पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर सेक लेंगे और 1-1.5 मिनट बाद अब इसके ऊपर में थोड़ा सा तेल ब्रश करेंगे और इसे पलट के दूसरे तरफ से भी थोड़ा सा तेल ब्रश कर देंगे। ऐसे ब्रश करने से सिर्फ 1-2 बूंद तेल से ही ये आलू का पराठा बन जाएगा। और अब देखिए ये लिक्विड डो वाली पराठा भी बिल्कुल नॉर्मल पराठा की तरह फूलने लगा है। तो हल्के हल्के से कलची से इसे दबाएंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये पूरा पराठा मीडियम फ्लेम पर ही बनेगा, तो फ्लेम को आप लो पर बिल्कुल भी मत करना और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप बिल्कुल ऐसे ही रखना, नहीं तो पराठा फूलेगा नहीं। देखिए ये वाली पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है, तो अभी इसे निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये लिक्विड डो से आलू के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।